नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। दिल्ली के बदरपुर स्थित एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस के उपलक्ष्य में सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रेंज देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के 400 बच्चों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रेंज देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रेंज देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने बच्चों को उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें सर्टिफिकेट व मेडल देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर ACP ढाल सिंह, बदरपुर SHO सोहेब फारूकी, जयपुर SHO आनंद स्वरूप व पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन मौजूद रहा। ये आप जानते हैं कि हम लोग 16 फरवरी से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस वीक मनाते हैं, तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये एक कार्यक्रम था जिसमें हमने NTPC केंद्रीय विद्यालय बदरपुर को चुना और यहाँ पे 450 बच्चे और बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। और इसमें ये बच्चे को लगभग एक हफ्ते की ये ट्रेनिंग थी और इसमें इनको सेल्फ डिफेंस की डिफरेंट टेक्निक से बनाया गया। तो जो हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का सशक्ति का कार्यक्रम है, उसके तहत ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया और आज इसका वैलिडिक्शन था। और आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने उत्साहपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया और किस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देके इस 7 दिनों में जो इन्होंने एक्सपर्टीज या जो इन्होंने पारंगता हासिल की उसका नमूना दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा NTPC प्रबंधन का और यहाँ के स्कूल के प्रबंधन का, प्रिंसिपल का, फैकल्टी मेंबर्स का, जो इन्होंने ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में जो हमने क्राव मागा की टेक्निक, इनको जो इजरायली मार्शल आर्ट माना जाता है, उसको सिखाया। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली पुलिस आगे भी बाकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और RWH के बीच में ले जाए। और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।